गुटरगू एक ऐसा वर्ड है जो हम सब ने यूजुअली लव बर्ड्स के लिए ही सुना है। बस एग्जैक्टली इसी की स्टोरी दिखाई है इस सीरीज में, जिसका नाम भी गुटरगू ही है। ये सीरीज रिलीज हो गई है Amazon मिनी टीवी पर, जिसकी बेस्ट बात यह है कि इसका कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ता। आप Amazon शॉपिंग ऐप पर जाओ, उसमें मिनी टीवी के ऑप्शन में चले जाओ और वहीं पर आपको ये सारी सीरीज दिख जाती है। टाइमलाइन इस टाइप फील देने वाले इस शो की कहानी की बात सबसे पहले करते हैं। तो कहानी है रितु और अनुज की। रितु गुड़गांव से भोपाल गई है पढ़ने के लिए और अनुज प्रॉपर भोपाली है, वही पला बड़ा है। दोनों टीनेजर्स हैं, रितु इंग्लिश मीडियम वाली लड़की है और अनुज हिंदी मीडियम, एकदम ऑपोजिट। दोनों सेम कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, मिलते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, वही जो हम सब ने भी अपने टीनेज डेज में एक्सपीरियंस किया है। पहली मुलाकात, पहला हाय, पहली किस, पहला गिफ्ट, पहली डेट, पहला झगड़ा, रात भर एक दूसरे से फोन पर पहली बार बात करना, सब कुछ आपको इस सीरीज को देखकर याद आने वाला है। बस यही सारे फ्लेवर्स आपको इस कहानी में देखने को मिलते हैं। अच्छे स्टोरी में बहुत कुछ नया नहीं है, तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट मत करना, बल्कि सिंपल एंड स्वीट सी लव स्टोरी दिखाई है। रितु थोड़ी समझदार है, जानती है उसे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, कौन चाहिए, सब कुछ। लेकिन अनुज के लिए उसके साथ चल पाना बहुत बड़ी डील है, क्योंकि दोनों थोड़े अलग तरह के लोग हैं, अलग बैकग्राउंड के लोग हैं और अनुज को हमेशा कंफ्यूजन रहता है अपनी लाइफ में। अनुज के दो दोस्त भी हैं, बहुत ही अतरंगी टाइप के, लेकिन दोस्त तो दोस्त है यार, हमेशा उसका साथ देते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं। अनुज का एक भैया भी है जिसे प्ले किया है पंचायत के सतीश रे ने, और बहुत ही बढ़िया तरह से प्ले किया है। वो भैया उसका लव गुरु बनकर कहानी में आगे बढ़ता है और उसको बताता है कि लड़की को कैसे इंप्रेस करना है, कैसे नहीं। इस भैया के हिसाब से तो लड़की को इंप्रेस करने वाले लड़के को गोल गले वाली टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए। एनीवे, रितु अनुज की लाइफ का एक ऐसा मोटिवेशन बन जाती है धीरे धीरे, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। तो सीरीज के 6 एपिसोड्स है टोटल, और लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 22-25 मिनट्स की वो वैरी करती है। अनुज के कैरेक्टर में आपको ये मेरी फैमिली वाले विशेष बंसल दिखाई देंगे, जिन्होंने उस सीरीज में भी सबको अपनी बढ़िया सी एक्टिंग से, चुलबुली सी एक्टिंग से बहुत ज्यादा हैरान कर दिया था। इस बार भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस टीनेज रोमकॉम में। वहीं रितु की अगर बात करूं तो रितु बनी है अश्लेषा ठाकुर, जिन्हें हमने लास्ट द फैमिली मैन में देखा था मनोज बाजपेयी की बढ़िया सी क्यूट सी बेटी बने हुए। इसे डायरेक्ट किया है साकेत पंडोर ने और प्रोड्यूस किया है ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी हाई थी। बाकी इस सीरीज का म्यूजिक अच्छा है, आपको पसंद आएगा, मीनिंगफुल लिरिक्स भी है। बहुत सारे सॉन्ग्स नहीं है, लेकिन जितने हैं उतने आपको अच्छे लगते हैं। स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट इसका जबरदस्त है, जिसकी वजह से एक अच्छी वॉच बन जाती है। कुछ सीन्स फनी भी है, जिन्हें सुनकर आपको मजा भी आता है, और मोस्ट ऑफ द सीन्स अगर मैं बात करूं जो फनी है वो है सतीश रे के, जिन्हें देखकर आपको जरूर मजा आएगा। नेगेटिव में बहुत कुछ नहीं है इस सीरीज का, लेकिन ये जरूर है कि इसमें कुछ बहुत अलग भी नहीं है और ये थोड़ी ज्यादा ही प्रेडिक्टेबल बन जाती है, मतलब थोड़ी से थोड़ी ज्यादा। ओवरऑल इट्स अ डिसेंट सीरीज, जिन्हें पुराने दिन याद करने हैं, वो अच्छे दिन याद करने हैं, तो उसके लिए आप उसे जरूर देख सकते हो। काफी रिलेटेबल लगने वाली सीरीज है, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होंगे जिससे आपको लगेगा कि मेरे साथ भी ये हुआ था, मेरे साथ भी वो हुआ था। इसी के साथ गाइज मैं दे रही हूँ Amazon मिनी टीवी की इस सीरीज गुटरगू को 4 out of 5 स्टार्स। मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना कि क्या अगर आपने इसको अभी तक नहीं देखा है तो क्या आप इसको देखने वाले हो, और जब देख लो तो फिर से कॉमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बताना कि आपको कैसी लगी और आपको एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स अपनी लाइफ के याद आए। बाकी अभी के लिए इतना ही। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना, सबके साथ शेयर करना, और इसी तरह के हर सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के लिए, रिव्यूज के लिए देखते रहना ENT Live।